Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. Hello. Yes, Hina ji, क्या हालचाल? आप मोमिना है क्या? नहीं, मैं मोमिना नहीं हूँ. मैं सनातनी हिंदू हूँ. Okay. और बस मेरा ये रियल नाम भी नहीं है. ठीक, कोई मुश्किल नहीं. क्या कहना हाँ. चाहती हैं? बस यही जो आप स्ट्रीम करते हैं, मैं बहुत ईगरली सुनती हूँ आपका, और जितने भी मुझे वक्त मिलता है मैं जरूर कोशिश करती हूँ आपको सुनूं. दूसरा एक एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन ही कह सकते हैं, जबकि हमने मना किया. मैं जस्ट ये जानना चाह रही हूँ, आप अक्टूबर बॉर्न है क्या? नहीं, अक्टूबर बॉर्न नहीं हूँ मैं. कुंडली निकाल रही है क्या आप? नहीं नहीं, मैं आपके पेशेंस को सलाम कर रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर बॉर्न होते हैं ना, वो बहुत काम होते हैं. जो आप आपका टीवी में भी जो भी इंटरव्यू वगैरह वो पिनाज के साथ और दूसरा मैंने देखा है, तो हाँ. आप जो एक्सप्लेन करते हैं और जो समझाते हैं, और कुछ ऐसे नॉनसेंस लोग भी आते हैं जो आपको है ना एक्साइट करने के लिए या ऐसी बातें करते हैं, फिर भी आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह मैं हूँ तो बिल्कुल जरूर अपना पेशेंस गवा दोगे, लेकिन आप नहीं गवाते. आपका प्लस पॉइंट है आपका बहुत ही. हिना जी, मुझे वो वाला अभी साजिद रहता तो और मजा आती. साजिद आना है, आ जा. साजिद के लिए एक्सेप्शन है फीमेल ओनली में. वो तो मुझे रील याद आ गई, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बचकाना सा छोटा सा. अरे वो बच्चा यार, मीम बना दिया उसको. क्या कहता है, संदीप महेश्वरी का ये वो. हाँ. बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा. तो वो शायरी मारता है क्या, मंजिल से जिया तो क्या जिया, और बना अपनी मंजिल और कुछ, तो ऐसा एबीसीडी को बोलता है. नहीं, ये तो, कुंडली का आप कह रहे, कुंडली का नहीं होता है, पर कुछ ये साइकोलॉजिकल होता है. आपका जो बर्थ होता है ना, आपका जो जन्म होता है ना, एक्चुअली मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में जून वाले, जून वालों के अंदर है कि नहीं है ये बात? भी है, वो है, है, है. और अच्छा, जून वालों में भी होता है? हाँ हाँ है. पर वो जून का तो दूसरा भी है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप, ड्यूअल साइड भी होते हैं. दो काम एक साथ कर सकते हैं. अच्छा, दो काम. हाँ, मैं बहुत पेशेंट भी, बहुत अच्छा, दो काम एक साथ कर सकते हैं, उनका माइंड ही ऐसा होता है. यस, फिर तो सही बात है आपकी. जेमिनियन होता है, जैसे दो उसका मुंह सिंबल है ना, जैसे दो मुंह बता रहे हैं, तो वो दो मुंह इसीलिए वो सिंबॉलिक है कि आपकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो बेसिक ड्यूअल पर्सनालिटी. हाँ हाँ हाँ, ड्यूअल पर्सनालिटी मतलब आप दो काम एक, मतलब एक फंक्शन, माइंड का फंक्शन है. ये सब साइकोलॉजिकली बेस्ड ही है. पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके रखी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत डीप है, साइंस है. पर क्या है, लोग मानते नहीं है ना, कोई सोचते ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है वो. हाँ, मैं भी नहीं मानता. सन साइन के हिसाब से जो होता है ना, वो होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है. अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच हिना जी. और कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं एक्चुअली लीगल प्रोफेशन से हूँ, और मैं कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ आपसे, है ना. ओके. जैसे मेरा काम कोर्ट में होता है, ठीक है ना, तो जजेस, इवन जजेस होते हैं. ये एक मेरी फ्रेंड भी जज है, मुस्लिम. आपकी फ्रेंड जज है? मेरी फ्रेंड, हाँ, जज है. okay. है और जज है, उसने शादी भी की और अपने, हाँ, चार पांच बहने थी वो, और दो बहने एडवोकेट बनी और ये भी, और उन्होंने अपना घर ऊपर लाया. मतलब इन शॉर्ट वो लीगल प्रोफेशन से है और लॉजिकल माइंड है उनका, है ना. तो रैशनल होने चाहिए, है ना. लेकिन जैसे अभी बहुत टाइम के बाद हमें वापिस मिली, अभी कुछ टाइम पहले, है ना, कहीं और जगह. हाँ. तो वापस कनेक्शन हुआ, तो जैसे मेरे इनके कोई ईद उसके बाद आ रही थी ना, तो हम तो जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, कुछ भी होता है तो हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दिवाली वगैरह सब ऐसे विश करते हैं सबको. तो जैसे इनका त्यौहार है तो हमने भी किया, है ना, मैंने किया. ओके. और लेकिन जब मैंने देखा, हाँ, व्हाट्सएप पे कनेक्शन, तो जब लेकिन दिवाली था, हमारा त्यौहार था, तो उससे वो नहीं किया, हैप्पी दिवाली किया. तो ये चीज मैंने नोटिस किया, ये चीज कि इनके मन में ऐसा इतना क्यों है. मोमिना है, जज की पोजीशन पे है और उसके अंदर भी ये चीज है, और जज भी डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसा नहीं है कि कुछ, हाँ, मुंसिफ जज नहीं है ना, इस लेवल के हैं. तो उनका माइंड खुलता क्यों नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि वो पढ़ भी लेते हैं, लीगल प्रोफेशन में है, रैशनल माइंड होना चाहिए, तो वो इतना उनके माइंड में क्यों है इतना, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कभी ऐसे नहीं होता है कि कोई भी रिलीजन क्यों बनता है. या बेसिकली आप एक ह्यूमन है ना, जो भी कुदरत है, जो भी सुपरनेचुरल पावर है, जितने आपको क्रिएट किया है, क्रिएटर है ना, तो जब तक आप बॉडी में है तो भौतिकता हावी रहती है, आप नहीं समझ पाओगे. और जो समझ पाता है वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जो सामने वाला समझ पाएगा.
वो उसकी अनुभूति है ना, सबका अपना यूनिक पाथ है ना, हर इंसान का, वो जो कोई महसूस कर लेगा उस कुदरत के साथ अलाइन हो जाएगा तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सामने वाले को कि वो उसी हिसाब से समझ पाए। तो जो चीजें सालों साल से चली आ रही है या किसी ने इसको रिलेशन अरे मजहब या नाम दे दिया धर्म का या पंथ का है ना, तो वो एक इंसान ने जो भी कुछ कहा उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो दूसरे को बोला तो दूसरे ने तीसरे को बोला, तो इतने सालों से चला आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली वही अनुभूति कैसे हो सकती है? तो खुद का माइंड नहीं खुलता है या ऐसा नहीं होता है कि मैं खुद जज साहिबा को, मोमिना जज साहिबा को लेके आओ हमारी हवेली पे, थोड़ा कोशिश करेंगे, वो थोड़ी आएगी और थोड़ा इगोइस्ट भी हो जाते ना, फिर मैं फिर इतना वो नहीं करती हूँ मैं ना, फ्लैटरिंग अपने भी उसमें नहीं है कि नहीं, लेकिन बात होती है आपकी, नहीं फिर विश वगैरह नहीं किया तो मैंने कहा कि वो उस टाइप का माइंड है तो फिर उससे कोई मतलब नहीं ना बात करने से, समझो। तो एक काम करिए आप, आई होप कि यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स होती है उसमें जो भी रेफरेंसेस बताए जाते हैं कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन तो करके रखे होंगे, तो जो डिफिशियंट इन नॉलेज वाली जो हदीस है और उसके बाद कुरान की वो आयत के, तो क्या इनको नहीं पता? मैं ये कह रही हूँ जो बचपन से पढ़ते हैं उनके घर में, छोटी थी तब जाती थी उनके घर में, वो सब ये इनके वो कुरान के क्या होते हैं आयतें वगैरह लिखी हुई रहती थी या पूरी रिलीजियस, ऐसा नहीं है, है ना? तो उनको पता नहीं है क्या, उन्होंने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो गौर से नहीं पढ़ा है जैसे, है ना? अपना जो कई बार बताई हुई है हिना जी के, बहुत बार जो है ना आपको पता होता है कि ये चीज लिखी हुई है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव नहीं मिलता आपको ये समझने के लिए कि ये गलत लिखी हुई है, ये बात गलत है, ठीक है? और ये सारे मोमिन हजरात के साथ इसी तरीके से होता है, यानी अक्सर लोगों के साथ, तो इन्होंने भी पढ़ा होगा, और बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कि जैसे सेक्स स्लेवरी है, हजरत आयशा रसूल की बीवी है और वो 6 साल की थी और 9 साल की थी जब रसूलुल्लाह ने फर्स्ट टाइम उनके साथ इंटरकोर्स किया, ये अक्सर मोमिन लोगों को पता ही नहीं है, ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं है, जिजिया ये कई सारे मुसलमानों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे जो दुनियावी पढ़ाई जिन्होंने की है उनको भी नहीं पता ये चीज, ये तो हमारी एक्टिविज्म के हमारे चैनल के थ्रू से उनको पता चल रहा है कि ये सारी चीजें है, और जिन्होंने सुना भी है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ना पहले, जिन्होंने ये चीजें जिनके पास से गुजरी भी है तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से उसको नहीं पढ़ा है कि ये चीज गलत है, तो बहुत से बार हमको एक पर्सपेक्टिव देना पड़ता है कि भाई देखो ये चीज लिखी हुई है, ये तालीमात आपके मजहब की है और वो इस वजह से गलत है, जब वो आप पर्सपेक्टिव दोगे ना तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल जाता है, तो आई एम श्योर कि अगर ये पढ़ी लिखी है इतना मोमिना जज है तो उसको अगर आप एक पर्सपेक्टिव दोगे तो शायद उसकी आंखें खुल जाए, शायद शायद एक और उदाहरण देती हूँ मैं, दो और जजेस का अभी मैंने अभी इसी पिछले साल में एक्सपीरियंस किया, एक का तो अभी लास्ट मंथ से, ये एक चीज बहुत बोलते हैं, दो मेल जज थे जिनके सामने मेरा मैटर था, ठीक है, वो ये बहुत बोलते हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं, जैसे मुसलमान है हम किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरते, ये क्यों? वो भी मोमिन जज है क्या? दो जज की बात, दो मोमिन जज, एक यहाँ पे थे एक दूसरी जगह पे थे, ओके ठीक है तो उनके जैसे सामने वो ये मैंने बार बार सुना, मैंने कहा ये क्यों दिखा रहे हैं, इनको ये लगता है शायद मेरे हिसाब से कि ये सनातनी है, हिंदू है तो ये डरपोक है, ये डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। एक और कोई अभी 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 मेरा रजिस्ट्री ऑफिस में सामना हुआ, वो भी मोमेडन भाई थे, तो वो भी ये चीज मेरे को बोल रहे थे, मैंने कहा आपको नहीं पता है और ये पता नहीं सनातनियों के दिमाग में ये है कि वो डरते हैं, बल्कि इनको सनातनियों को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, मानते नहीं है, वो जानते हैं, जिसने गीता पढ़ी है वो जानते हैं, वो शाश्वत सत्य है, वो खुद ऊर्जा है, वो खुद सोल जो है वो मेमोरी कैरी करती है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, तो ये मैं मिटने वाली नहीं है, आत्मा मरने वाली नहीं है, जलती नहीं है, ये इसका नाश होने वाला नहीं है, शरीर का नाश होता है, तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म वो उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, अगर उसको इतनी कॉन्शियसनेस है उसके माइंड में इतना अगर जगह, तो सनातनी के तो बिल्कुल फक्र डर होना ही नहीं चाहिए, शरीर काट सकते हो, आत्मा को नहीं काट सकते, नहीं जला सकते, एक शरीर इसको छोड़ दिया, जैसे एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हो, बस सिर्फ इतना ही है, शरीर से ज्यादा है ही नहीं, यही गीता का सार है, जिसने गीता पढ़ ली वो किसी से नहीं डरता, कोई राजा महाराजा से भी नहीं डरता, मौत से डरता ही नहीं, मौत कोई चीज है ही नहीं, एक शरीर आया दूसरा शरीर आया,
मेमोरी आपको कैरी फॉरवर्ड होती है टोटली। हाँ वो जैसे हम बैकस्टेज पे होते हैं ना अभी, वैसे बैकस्टेज पे रहती है, अंदर रहती है, तो उसको अच्छा। सिर्फ चटोलना होता है अंदर से। वो जब जब आपको एक क्लिक हो गया, जब आप कॉन्शियसनेस में उसमें लेवल में आ गए थोड़ा सा भी, अगर आपका थोड़ा रैशनल माइंड है, आप क्वेश्चन होता है आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ यहाँ पे, इतनी बड़ी धरती है, हम साइंस से ये तो पढ़ते हैं ना कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें हम एक कण के बराबर भी नहीं है, और उसके उसके ऊपर हम हमारी क्या हस्ती है, तो हम यहाँ पे क्यों, किसने ये खेल रचे हैं, तो उसके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई सवाल आता है अंदर, तो लॉजिकल माइंड होगा तो ही आएगा, या फिर इंसान वही होता है कि जो मान लेता है, एक इंसान ने किसी ने बोला था और अपने हिसाब से वो उसके दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता कि ये कल्ट क्यों बना है, क्यों बना है। सॉरी मेरा बहुत लंबा हो गया। नहीं ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस और अपने जो आपका जो नॉलेज है उस हिसाब से आपने बात बताई है, लोगों तक आपकी बात पहुंच गई है। तो ये जो, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा आपको कि ये जो मोहतरमा है फीमेल जज, उसको आप दो तीन चीजें जो है वो आदि अकल वाली यानी डिफिशिएंट इन नॉलेज और गवाही के लिए, उनकी जगह पे अपना काम पहुंचाना है ना, वो उसके बाद एरोगेंट रहे या कुछ भी रहे, अपने को क्या लेना देना, पहुंचा दो बस बात। खैर इसको तो मैं कर दूंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। एक और एक्सपीरियंस हुआ मुझे अभी रिसेंटली, जैसे ये इजराइल का और इसका युद्ध हुआ ना, उस दौरान हमने तो कुछ नहीं, हम जहाँ जाते हैं मॉर्निंग में पार्क में, वहां एक लेडी आती है जो अभी तो काफी उम्र में है, वो पहले सनातनी थी, हिंदू थी, सनातनी थी, गवर्नमेंट जॉब करती थी, अभी रिटायर्ड हो गई है, और उसने मोमिडन से शादी करी थी, ठीक है, मोमिना बन सनातनी ने मोमिडन से शादी की, सनातनी थी, पटेल थी, हाँ मोमिना बन गई, अभी तो बूढ़ी हो गई, फिर उसके बाद भी हाँ फिर उसके बाद उसके हस्बैंड ने दोबारा शादी भी कर ली है ना, दोबारा शादी कर ली, उसे बच्चे कर लिए, इसके भी बच्चे हो गए, मतलब वो खुद एक तरीके से विक्टिम है, उसके बावजूद भी उसके माइंड में इस तरीके से, पता नहीं कौन ये कोई इनको बताते हैं क्या है, तो उसके इजराइल का और ये जो चल रहा है उसके बारे में उसने बताया कि इजराइल ने अटैक कर दिया, तो मैंने कहा भाई पहले तो हमास ने किया है ना पहले हमास ने किया है तो वो कोई अपने बचाव में तो कोई भी इंसान करेगा ही है ना, फिर उसमें युद्ध में तो जायज भी होता है नाजायज भी होता है ना, तो जो भी होगा मैंने तो उसको कोई अपने साइड थोड़ी ली है इजराइल की, जो भी होगा उनका हम लोग को पता भी नहीं पूरा है ना एग्जैक्ट क्या मामला है, लेकिन वो अपने आप ये बात बता रही थी। जब मैंने ये बात बताया मैंने कहा कि जब मुस्लिम जो है उनका किसी एक कंट्री में नहीं, आप दुनिया में, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देख रहे हैं, चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, चलो आप ये क्या बोल रहे हो कि यहाँ का मीडिया ये बता रहा है या ट्वीट कर, तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया है वो सबके सब ऐसे एक ही रिलीजन को टारगेट करके तो नहीं बना सकते ना, ये बॉम्ब वो बांध बांध के फट रहे हैं, वो दूसरे रिलीजन से तो नहीं बन रहे, इसी रिलीजन में से क्यों हो रहे हैं, तो ये इसको डिफाइंड करते हैं। मैंने आज दिन तक एक भी मोमिडन को नहीं सुना ये कहते हुए कि भाई ये आतंकवादी हमला है तो वाकई उसमें मतलब ये गलत किया उसने, तो उसमें मौन सम्मति है ना, सही है, मौन सम्मति है ना, जब आपका व्यवहार ही अगर आपको, फिर बोलते हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम देश देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं है, हमको सबूत देना पड़ता है, तो भाई आपका, आप जब मौन रहते हो तो भी मौन सम्मति है आपकी, आप एक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी मौन सम्मति तो है ही, जो कर रहा है वो तो आपको अच्छा लग रहा है, पूरा उनके बिहेवियर से दूसरे सामने वाले तो महसूस करते हैं ना, तो सामने वाले कितने पेशेंस है, तो वो पेशेंस उनकी कमजोरी नहीं है, वो जिसका गुनाह नहीं है उसको मारना नहीं चाहते, उनको हर्ट नहीं करना चाहते, वो उनसे उनके संस्कार उनको धर्म से मिलते हैं कि अनजान को नहीं मार सकते। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़के 14-15 साल का लड़का मोमिडन एरिया में एक हिंदू के लड़के को पकड़ के लेके खींचे गए और गला काट दिया, जैसे जानवर का काटते है ना, तो बिल्कुल तरस नहीं आया उनको, शकल नहीं दिखाई, वो तो बड़ों ने उनको समझाया कि लीगली उसको बच्चे है 17 साल के काम है तो वो छूट जाएंगे नाबालिग होके है ना, और उसका सर नहीं दिखाया और बाकी उसको लिटरली पकड़ के लेके गैर काट दिया, तो कितनी हेट मतलब डरने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि सनातनी डरते हैं या युद्ध से डरते हैं, डरते नहीं है, वो समझते हैं कि आप निर्दोष को नहीं मार सकते, जो गुनेगार है उसको आइडेंटिफाई, वो गुनेगार है तो ही उसको हर्ट कर सकते हो या जब युद्ध का पैमाना हो, युद्ध हो तब हाँ, और उसमें भी नियम होते हैं ना, आप जो आपके सामने आएगा लड़ने उसको मारोगे, पीठ पीछे वार नहीं करोगे
है ना, वो युद्ध के भी, जब महाभारत के युद्ध में भी था तब नियम होते हैं, उसके बाद भी जब राजाओं के बीच में भी युद्ध था तब भी नियम होते थे। बस ये कल्ट जो वहां अरब से आया, उसकी सोच जो आई, तो ये हिस्ट्री नहीं पता है क्या इनको, मुस्लिम जो भी है अपने यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, कि उनको ये पता है कि चलो ये जो बोलता है, ये क्या है जाकिर नालायक, ये बोलता है, एक्सेप्ट करता है कि उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, तो तुमको पता नहीं है कि भी हिंदू थे मुस्लिम क्यों हो गए, इतना क्या प्रभावित हो गए, और कौन सी औरत इतनी प्रभावित हो गई कि अपनी छाती पे तीन तीन सौतने लाके लाना पसंद करेगी। सही बात है आपकी एना जी, आपकी जो बात है आई एम श्योर लोगों तक पहुंच गई है, और वो खास करके जो सनातनी है वो इस बात पे गौर करेंगे, और मोमिन हजरात तक बात पहुंचाने का काम जो है वो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच एना जी फॉर ज्वाइनिंग। सॉरी मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन तो था ही है, तो कभी कभी दिल खाली करना भी जरूरी होता है, और आप सोचिए 3000 लोगों के सामने अपने दिल की बात रख दी, यू विल फील गुड, और आई एम श्योर कि वो जो मोमिन है वो आपने मुझे मौका दिया होगी। जी हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ आगे बढ़ते हैं, राहुल श्रीनिवास कह रहे हैं बहुत महीनों से तेरा स्ट्रीम देख रहा था साहिल, बट कल रात को जाके रियलाइज हुआ कि तू अपना पुराना दोस्त है, टेक केयर ब्रदर, विल मीट समडे, होपफुली यू स्टिल रिमेम्बर। अरे भाई कैसे भूल जाएंगे राहुल भाई आपको, लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि तुझे जो है वो, अगर बहुत दिनों से तू स्ट्रीम देख रहा है, महीनों से देख रहा है, तो मेरी आवाज नहीं पहचान पाया यार तू, ये तो गजब बेइज्जती कर दिया तूने भाई की। तो खैर बहुत अच्छा लगा दैट यू नो माय फ्रेंड्स आर आल्सो वाचिंग माय स्ट्रीम, थैंक यू सो मच राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल, जरूर मिलेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी कर देना सो दैट यू नो वी कैन टॉक देयर, थैंक यू सो मच राहुल। चेतन गोपाल भाई ने एक बड़ी सी लाल मिर्ची भेजी है $100 की। चेतन भाई कहाँ थे, गायब थे, व्हाट्सएप नंबर आपका चालू हुआ नहीं हुआ जरा अपडेट मुझे करना, मेरा इंस्टा बंद है सो आई कैन नॉट चेक योर मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अगर कोई दूसरा आपके पास नंबर है तो वो मुझे मैसेज करिए। कह रहे हैं साहिल मेरे बिछड़े हुए भाई, आज बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ स्ट्रीम, मिस यू भाई, व्हाट्सएप की अभी भी फटी हुई है, अब लगता है कि नया फोन लेना ही पड़ेगा, एनी वे कीप अप द गुड वर्क एंड बी सेफ, थैंक यू सो मच चेतन भाई। नया यार दूसरा मोबाइल लो या दूसरा नंबर लो और भेजो मैसेज। जे आर भाई कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो योर फेथ, यू हैवंट एक्सपीरियंस दिस, थैंक यू सो मच जे आर भाई, ये हिना जी के लिए मैसेज था। मैकेनिकल मौलाना भाई कह रहे हैं जजिया ले लो भाई, हम बिल्कुल छोटे बन के रहेंगे। आप 9:29 की आयत पे अमल कर रहे हो, छोटे बन के रहना है आपको। पायलट वाला भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं सनातन धर्म इज एक्सपीरियंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रिलीजन, इस्लाम इज अ रूल बेस्ड कल्ट, सो अ पर्सन हु इज अ रूल बेस्ड थिंकर कैन नॉट अंडरस्टैंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड ही विल ऑलवेज सी अदर्स एज इंफीरियर। बिल्कुल सत्य फरमाया आपने पैलेट वाला भाई। कंचन नसवारी जी कह रही हैं किसी की नफरत किसी की मोहब्बत है, हम किसी के लिए जान किसी के लिए मुर्तद है, हम हमारा भी एक दरिया है जिसके साहिल है, हम किसी के लिए जान किसी के लिए मुर्तद है हम, क्या बात है। कंचन जी आज जो है शायराना मूड में लग रही है मुझे, थैंक यू सो मच कंचन जी, और भी कुछ अच्छी अच्छी शेयर लिखिए आप। और एक एक लाल मिर्ची हमारे जैज एसके भाई ने दी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पंजाबी में है जो मुझे पढ़ने नहीं आती है, तो जो लोग इस लैंग्वेज को, अगर ये पंजाबी है तो जैज एसके भाई ने क्या लिखा है जरा मुझे जल्दी से कमेंट करिए सो दैट आई कैन रीड इट। एनीवन, अरे गूगल ट्रांसलेट के लिए भाई यहां से कॉपी थोड़ी ना होता है ये। ओके जय हिंद लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच जैज एसके साहब, आपको भी जय हिंद, और जितने लोगों ने बताया हुआ है उन सबको भी थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो ये पंजाबी है ना, I'm sure पंजाबी होगी, he wrote जय हिंद, okay। SGS कह रहा SGS कह रहा नौजबिल्ला लिखा है। यार पब्लिक भी खेलते रहती है कमेंट में, और मैं देख रहा हूं कि वो हिना जी जब आई थी तो सब वहां पे नवंबर दिसंबर अप्रैल ये सब डिस्कस कर रहे थे कि मैं दिसंबर में पैदा हुआ हूँ, मैं अप्रैल में पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या है ये क्या। यार कसम से आप लोग भी एकदम जबरदस्त मजे लेते हो कमेंट में।
तो जैज एसके साहब बहुत बहुत शुक्रिया लाल मिर्ची के लिए। मैक मराठा साहिल भाई प्लीज पब्लिक को बीच बीच में याद दिलाया करो चैनल को रोज एटलीस्ट 10-15 लोगों के साथ स्पेशली मुस्लिम के साथ शेयर करे, इसको सब लोग ने रूटीन बनाना चाहिए टू रीच एवरी हाउस। बिल्कुल सर, और ये तो एक खुद की जिम्मेदारी है, लोगों को समझना चाहिए कि भाई सिर्फ अकेले देखना नहीं है, सिर्फ अकेले लाइक नहीं करना है, बल्कि हमको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। मकसद नहीं भूलना है, अगर दूसरी पार्टी मकसद नहीं भूल रही है तो हमें भी अपना मकसद नहीं भूलना है। क्या मकसद है हमारा, कोई बताएगा हमारा मकसद क्या है चैनल का, जो मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बताओ कोई बता सकता है मकसद क्या है इस चैनल का? एक लाइन जो मैंने बोली थी, नहीं एक मैंने लाइन कही थी, हाँ यस एसजीएस भाई ने, हर घर एटलीस्ट एक एक्स मुस्लिम, ये अपना मकसद है, हर घर में एक एक्स मुस्लिम, ये चैनल का मकसद है। चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा चैनल बंद, फिर नया चैनल खोलेंगे, मौज मस्ती करेंगे उसमें। तो ये मकसद हमको भी नहीं भूलना है, हर घर में एक एक्स मुस्लिम, और उसके लिए आपको हमारी बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो ये रोज रोज बोलना नहीं पड़ना चाहिए हमें, जितने नए लोग भी देखते हैं उन एक जिम्मेदारी अपनी बना ले कि मैं जितने लोगों को जानता हूं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स है, सब तक इस चैनल को पहुंचाना है। उनको वो लव जिहाद वाले केसेस भी बताओ चैनल पे और बोलो ये सब डिस्कशन भी होते हैं उधर, ताकि उनको भी समझ में आए कि यार ये कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच एसजीएस भाई और जितने लोगों ने भी लिखा था। तो ये हमारे चैनल का मकसद है, हर घर एक एक्स मुस्लिम, एक्सपोजिंग इस्लाम। साहिल टू राहुल, मेला टागा वाला है, मेला गांव वाला नहीं, मेरी कंपनी वाला है भाई, राहुल मेरा दोस्त है बिल्कुल, और ही इज अ वेरी गुड गाय। यार मैं कई जगह पे काम किया हुआ हूँ, तो जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था वहां पे जो है हम दोनों साथ में थे, एक ही प्रोसेस के लिए काम करते थे, आई वॉज इन ईमेल, ही वॉज इन चैट सपोर्ट, तो वहां से हमारी दोस्ती है। मिस्टर ड्रीमर थैंक यू फॉर द वर्क यू डू एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जैज एसके भाई कह रहे यस सर आई यूज्ड टू बी रेगुलर कर बिफोर माय एक्सीडेंट, इट्स माय न्यू आईडी ड्यू टू सेफ्टी रीजन, इट्स जस्ट सीन फ्रॉम कैलगरी। थैंक यू जैज भाई, अंडरस्टूड, और आपका तो मैसेज व्हाट्सएप पे आते ही रहता है, थैंक यू सो मच। KM भाई मैं एक कुरान GPT यूज कर रहा था, हिजाब फॉर स्लेव सर्च किया, ब्लॉक्ड बाय मॉडरेटर आ गया, आपका कुरान GPT कब आ रहा है और औरंगजेब स्ट्रीम। एक्चुअली ये जो GPT है या वो जो एप्लीकेशन है, एडम साहब उस पे काम कर रहे हैं, एंड ही सेड इट विल टेक सम टाइम, मे बी 2024 एंड तक शायद वो पूरा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बन जाए, या फिर 2025, क्योंकि आप सभी को मालूम है एडम साहब जो है वो सिर्फ एक्टिविज्म नहीं करते, ही हैज हिज ओन जॉब आल्सो, तो उसके साथ साथ मैनेज करना और उसके बाद फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, तो इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा आप लोग सबर करिए, जब मार्केट में आ जाएगा तो आप लोगों को फिर सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। प्रत्युष बैनर्जी कह रहे भाई सलाम नमस्ते, क्रिश्चियन प्रिंस का नया फैन बना हूं, ही इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड एडम भाई, मजा आ गया भाई। क्रिश्चियन प्रिंस तो यार ही इज ऑसम, और बेस्ट पार्ट उसके लिए वो है कि ही नोज अरेबिक वेरी वेल, तो उसको जो है जो मुसलटे आते हैं वो घुमा नहीं सकते। सो मच देवशीष रॉय कह रहे हैं मैं 1 अक्टूबर बॉर्न हूं और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, इसलिए बहुत लोग नफरत करते हैं मुझसे, हिना जी शायद गलत हो गई। यार देखिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन अगर कोई मानता है तो दैट इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाओ कि यू नो यू आर जस्ट आई मीन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली, मतलब आप हर चीज उसी को देख के कर रहे हो कि यार इसमें अभी ये कह रहा है तो मैं अब इस तरीके से करूंगा या करूंगी, दूसरे तरीके से नहीं करूंगा या करूंगा, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। टेक सजेशन सब करो, लेकिन हर जगह पे अपना दिमाग चलाओ कि उस सिचुएशन के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग, ठीक है? दिस इज व्हाट आई बिलीव, बट आई डोंट हैव एनी इशू इफ समवन इज बिलीविंग इन समथिंग एल्स, आई एम टोटली ओके विद दैट, टिल द टाइम कि आप जो है वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। रिबर्थ कह रहे हैं मैं भी नहीं मानता, थैंक यू सो मच रिबर्थ भाई। और कप्तान जैक स्पैरो बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ सॉरी, अरे वेलकम है भाई। नैश क्रीक साहिल जी एक्स मुस्लिम के बच्चों को इससे बाहर रखने के लिए फ्यूचर के नेम्स चेंज करने चाहिए, मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या करना? बिल्कुल आपकी बात सही है, जो भी एक्स मुस्लिम सभी बन रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं की हुई है, इंश्योर के आपके बच्चों का नाम मुसलमान नाम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंटिंग में जो है इट विल शो एज अ मुस्लिम नेम, और अगर वो किधर जाते भी है तो लोग उनको मुस्लिम समझेंगे नाम से।
तो जिनके ऑलरेडी है उनका तो कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सब डॉक्यूमेंट्स पे नाम वाम चेंज कराना इतना आसान नहीं होता है। करा लोगे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी करा रहे तो ठीक है, लेकिन जो जनरेशन आगे आने वाली है यानी जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी नहीं हुई है या करने वाले हैं, यू नीड टू इंश्योर कि आप लोग अपने बच्चों का मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे। प्लीज मत रखना मुस्लिम नाम, कोई कॉमन ऐसा नाम रख लो अगर आपको कोई दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करना है एंड यू डोंट वॉन्ट दैट आइडेंटिटी, दैट इज फाइन। कोई बीच वाला नाम ऐसा रख लो जो इधर उधर सब जगह चल जाता है, लेकिन मुस्लिम नाम मत रखो। और क्या कह रहे हैं, मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तबलीग करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इस्लाम की हकीकत। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल के चैनल पर मोमिन आते हैं सोच के उनकी बात जाएगी चांद तक, पर जाती है सिर्फ शाम तक। हाँ यार, चांद तक जाना चाहिए बात। सत्यन भाई कह रहे हैं औरंगजेब के सारे ओरिजिनल अखबार और कोर्ट हिस्ट्री पे स्ट्रीम करेंगे जब भी साहिल भाई बोलेंगे, पूरा हिसाब किताब है अपने पास। बिल्कुल, आई विल ट्राई के नेक्स्ट ट्यूजडे जो है हमारा टीपू सुल्तान पे जो एपिसोड 2 बचा हुआ है, अगर सत्यन भाई हमारे फ्री हो जाएंगे, ही इज ऑल्सो ट्रेवलिंग एंड ही हैज सम वर्क, वरना हम आज रखने वाले थे, तो मैं भी ट्रैवलिंग पे हूँ, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्यूजडे जो है मैं कोशिश करूंगा एपिसोड 2 जो है वो कंप्लीट किया जाए टीपू सुल्तान के ऊपर। एपिसोड 1 आप लोगों ने देखा कि किस बेहतरीन तरीके से हमारे सत्यन भाई ने प्रूफ के साथ, लेटर्स के साथ हकीकत बताई है और पोल खोला है उन लोगों का जो ये कहते थे कि टीपू सुल्तान जो है वो सेक्युलर था, बिल्कुल सेक्युलर नहीं था। तो उसके बाद जो है वो औरंगजेब के ऊपर भी हम स्ट्रीम करेंगे। डीएक्स भाई कह रहे हैं आप मस्त काम करते हो साहिल भाई, थैंक यू डीएक्स साहब। और निमेश भट्ट कह रहे हैं अनीता की बहन को ही नबी ने आधी दिमाग का है। बिल्कुल सही है, कई कई जगह पे रसूलुल्लाह ने जो है ना वो सच बातें भी बताई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राउड वुमन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। सेकेंडली मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी लेटेस्ट मेरे साथ हुआ था। हुआ क्या था, पिछले एक कल परसों की बात है, आई वॉज इन अ मेट्रो, इनफैक्ट आई शेयर्ड इट टू सम ऑफ माई डिस्कॉर्ड फ्रेंड्स एज वेल, दैट वो मेरे को दे थॉट आई एम अ मुस्लिम एंड आई वॉजंट वेयरिंग अ बुरका और सूट, आई वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट जीन्स एंड जैकेट, नथिंग मोर देन दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट डेली इटसेल्फ। एंड उसने मेरे को लाइक मेट्रो स्टेशन पे नीचे तक मेरे को तक तबलीग करने की कोशिश करी दीन की। कौन, लड़की या लड़का? इट वाज अ गाय एंड आई वाज लाइक आई थॉट यू नो लाइक मेट्रो में जब आप गेट पे एग्जिट करते हो तो यू नो सब एग्जिट करते हैं, तो लेट्स फॉरगेट इट। आई थॉट मैं अपना हेडफोन लगाते हुए आई मूव ऑन, आई वेंट अहेड, व्हेन आई सॉ ये तो भाई ये नहीं रुक रहा है, आई डोंट नो व्हाट केम इनसाइड मी, आई शाउटेड एट हिम रियली बैड, बहुत बुरा शाउट किया मैंने उसके ऊपर। पीछे से दो चार लोग आए, दे से मैडम ये छेड़ रहा है, मैं कहा छेड़ नहीं रहा, मुझे कह रहा मुस्लिम बन जाओ। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ। आई हुआ था मेरे को उस टाइम इतना गुस्सा आया, आई कुडंट कंट्रोल माय टेंपर। तो फटके पड़े या नहीं पड़े उसको? मेरा तो मन था मारने का बट नहीं पड़ा। पब्लिक ने दिया है? नहीं, पब्लिक ने तो दिया बट मेरा मन नहीं था, मैंने गुस्से में उसे गाली देकर आ गई। मैंने उसे बहुत गंदी बोल कर रहा था, मैं यहाँ नहीं बोल सकती। ये बोल लाइक तुम क्या कहते हैं, तुम जन्नत में जाओगी, तुम ये जीन्स पहनती हो, ये टाइट जीन्स अच्छी नहीं है, ये जो तुमने जैकेट पहनी है इसमें बहुत टाइट है, कुछ ऐसा पहनो जिससे तुम्हारी क्या कहते हैं इज्जत रहे। वो पता नहीं क्या कह, लाइक तुम टैटू कराती हो, लाइक आई एम अ टैटू पर्सन, मेरे को टैटू बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये बोल लाइक कितने टैटू देख रहा हूँ, अच्छा नहीं है, अल्लाह को फॉलो करो एंड ऑल दैट। I was like ऐसा है, भाग जा, like I can't abuse you said abusive word but I was like भाग जा dash dash, यही मारूंगी तुझे पकड़ के। That guy was like, अच्छा जो मोमिन था वो दाढ़ी वाला था या? उसकी इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं थी, थोड़ी कम दाढ़ी थी, जो गोटी नहीं कहते आप, गोटी थी, हाँ बकरी की तरह, हाँ वही, बिकॉज ही वाज लाइक अल्लाह की राहों में आ जाओ, बहुत सफलता मिलेगी, आप अभी क्या करते हो, पर्सनली पर्सनल लाइफ का पूछने लग गया था। आई वाज लाइक ऐसा है चपेट मारूंगी निकल ले, एंड लाइक होता है हम दिल्ली वालों का एक्सेंट ऐसा ही होता है कि वी शाउट डायरेक्टली, वी डोंट लिसन, वी आर नॉट लाइक भैया प्यार से ऐसे मत बोलो, मैं लाइक सीधा चपेट मारूंगी निकल ले। ये तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने डांट दिया, एंड लाइक सिंस दैट डे आई शेयर्ड इट विद माय फैमिली, माय डैड लाइक कोई बात नहीं बेटा इग्नोर कर दो,
अरे लेकिन आपके पास इतना अच्छा एंटी तबलीग का मौका मिला था, प्राउड वुमेन जी, आप तो इतने जमाने से हमारे चैनल देखती है, उसको जरा दो तीन दे देने का था ना, हदीसे और कुरान के आयत। साहिल भाई मैं तब देती ना जब वो प्यार से बात करता, he was forcing himself his views on me basically, and मैं प्यार से भी क्या बोलती उस टाइम, तो मैंने सोचा मेरे बातों से थोड़ा सा मैं शांत हो जाती ना, मैं इसको आपके सारे आपके चैनल का बता देती, फिर मैंने सोचा कि इसे क्या प्यार से बात करूँ, ये तो है ही जाहिल। वो जो वही चीज होती है, एंड आपके चैनल का तो हर मुस्लिम को पता है, पूरे इंडिया में, यूएसए, यूके, एवरीवेयर, बीट एवरीवेयर, सो आई फील उसको भी पता ही होगा ऑब्वियसली, ये आंखों के अंधे और मुंह से बहरे या गूंगे सब होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि बहुत कहते हैं ना, ये लोग ही माहौल खराब कर रहे हैं आज की तारीख में, मैं सोचो मेट्रो में कोई ऐसे करेगा तो आई डोंट नो, मेरे को तो इतना गंदा लगा है, लाइक कोई पुलिस वाला होता ना उसके हवाले कर देती मैं। ये जो तबलीग का जो कीड़ा है ना, ये आई मीन सोचो आप कि वो सामने से आके अप्रोच करके वो आपको इस्लाम की दावत देने की कोशिश कर रहा है, जस्ट इमेजिन। वही, क्योंकि वो मेरे को मेट्रो में सामने बैठ के देख रहा था, मैं जनरल डिब्बे में थी, आई वाज लाइक एक बार देखा इग्नोर, दूसरी बार देखा इग्नोर, तीसरी बार देखा इग्नोर, मैं जहाँ उतरी हूँ बंदा वहीं उतरा, फर्स्ट थिंग वाज दिस, एंड मेरे बाद मुझे नहीं पता कितनों के साथ उसने ऐसे किया होगा। Obviously, जब आप पे ट्राई किया उसने तो बाकी लोगों पे भी किया है। मुझे तो आई डोंट नो साहिल, मुझे नफरत है, आई डोंट नो, मेरे को इसलिए मुस्लिम से नफरत। लेकिन लेकिन मैं तो यही कहूंगा, अब चूंके तो उसका एटीट्यूड शायद प्राउड वुमेन जी को सही नहीं लगा, लेकिन मैं तो अभी ये कहूंगा कि अगर कोई जो भी हमारे व्यूअर्स है उनके पास अगर कोई मोमिन आता है तो आप उसको बिठाइए और उससे बात करिए बिंदास। नाउ यू हैव एवरीथिंग, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने अभी इतना कुछ जान लिया है, यू नो मच मोर देन द एवरेज मुस्लिम, आपको कितनी सारी चीजें पता चल गई है। हाँ जी, लेकिन पता है क्या है, दिल्ली में ना बहुत सारे सेक्युलर्स हैं, अगर आप पब्लिकली ये बोल दोगे ना कि ये तू मुसलमान है, तू ऐसे करता है, तेरे मोहम्मद ने ये किया था, हमारी भी हालत वो नुकुर शर्मा जैसी होगी, तो वही होता है, बिल्कुल ही चिल्ला दो, मैं चिल्ला देती हूं, मैं एक मिनट, प्राउड वुमन जी, देखो यही हमें मौका नहीं देना है कि आप जो है ना वो सामने वाले को आपको ये नहीं करना है, यानी क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट वर्ड यार, इंस्टिगेट, हाँ इंस्टिगेट उस हिसाब से नहीं करना है कि भाई तेरा मोहम्मद तेरा ये, ऐसा नहीं, वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, उसको सिर्फ बताना है ताकि वो अगली बार जो है ना वो तबलीग नहीं करे, या तो उसकी आंखें खुल जाए या तो वो आपसे भागे, उसको बिना दो रसूलुल्लाह की कैरेक्टर बताए बिना, ऑफेंड, थैंक यू सो मच, बिना एक दो कैरेक्टर बताए बिना उसको छोड़ो मत, कोई भी अगर तबलीग करने आता है, मुझे मालूम है कई सारे लोग आते हैं, मैं खुद जो है वो ट्रेन में कभी ऐसा मौका मिलता किसी के साथ बातचीत करने का, आई यूज टू डू दैट, हाँ कोई लड़की के पास जाके मैंने कभी बात नहीं की है, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई है कि कोई अनजान लड़की के साथ सामने से जाके मैं बात करूं, तो वैसा छोड़ के मैं कई लोगों के साथ मेरे डिस्कशंस हुए हैं, तो ये कीड़ा तो रहता है मोमिनों के अंदर तबलीग का, बट अभी आप लोगों के पास सब कुछ है उससे बात करने के लिए, तो कोई आता है तो बिंदास उसको दो तीन चीजें बताओ, वो खुद भागेगा वहां से, डोंट मतलब उसको, मोहम्मद साहब को आपको कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जो वो बिल्कुल वहां पर लड़ाई करने लगे, लेकिन उसको शर्मिंदा करके छोड़ना है आपने। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट टाइम मैं वही करूंगी। और आपका अभी व्हाट्सएप चल गया है? व्हाट्सएप तो मेरा चालू है लेकिन मेरा नंबर बंद है, और कब तक ये, अगर इन केस कभी मेरा व्हाट्सएप जो है वो मैंने या मोबाइल चेंज किया मैं, तो फिर ये नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो उस पे ओटीपी नहीं आएगा, नंबर बंद है मेरा। हाँ जी हाँ जी, और है ना, फिर नया नंबर लेना पड़ेगा। श्योर श्योर। और साहिल भाई लास्ट थिंग, अगर आपको लाइक कभी जरूरत पड़े राइटर या किसी चीज की तो प्लीज लेट मी नो, आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स पर्सन, मैंने ग्रेजुएशन उसी से करी है, मास्टर्स उसी से की है, एंड नाउ आई एम लाइक आई राइट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड ऑल, तो अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, अमित भाई या कोई भी, साजिद भाई तो मेरे गुरु जी है, मतलब किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज लेट मी नो। तो आप अमित से कनेक्टेड है? हाँ जी।
ठीक है, चलिए कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगी तो मैं अमित को बोल दूंगा, तो ही विल कांटेक्ट यू। कोई नहीं अमित भाई, आप भेज दीजिए, मैं अभी लीव करती हूँ, ज्यादा टाइम ले लिया तो लाइक दूसरों के लिए भी ट्रबल सब होगा। थैंक यू सो मच, भाई ऐसा यूजर नेम कौन बनाता है मेरे प्यारे भाई, ए से लेके जी तक पूरा लिख दिया। साहिल भाई रॉन्ग सजेशन यू आर गिविंग, कल कुछ हो जाए तो ये तो जाहिल चाकू लेके घूमते। नहीं यार, हर कोई चाकू लेके नहीं घूमता, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो आपके पास दावत करने के लिए आ रहा है आपने उससे बात करनी है, ठीक है। सेकंडली यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ये दो चीज मैंने बताई, अगर इस तरीके से करोगे तो कोई भी आपको जो है ना वो चाकू लेके नहीं आएगा मारने के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कीप योर वर्ड्स, है ना। मैंने ये बात कही ना कि आपको ऑफेंड नहीं करना है, इंस्टिगेट नहीं करना है उनको। अर्ज कह रहे साहिल भाई अगर प्रॉफिट के नाम में PBUS या SAW ना लगाया तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, तो फिर सब मोमिन अपना नाम क्यों MD से शुरू करते हैं। देखिए अर्ज भाई, अगर आप मेरी स्ट्रीम बहुत पहले से देख रहे हैं, मैंने आपको कई लोगों को बताया है, मोमिन हजरात से भी हमने बात की है कि ब्लास्फेमी की कोई परिभाषा नहीं है इस्लाम में। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लास्फेमी, रसूलुल्लाह ने नहीं बताया ना अल्लाह ने बताया, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर आपने मोहम्मद के आगे साहब नहीं लगाया तो कई सारे लोगों के लिए वो भी ब्लास्फेमी हो जाएगी। और ये PBUH जो है या SAW ये तो नहीं लगाओगे तो चलेगा, इट्स नॉट अ ब्लास्फेमी, लेकिन साहब नहीं लगाओगे तो हो सकता है ब्लास्फेमी हो जाए, हजरत नहीं लगाओगे तो हो सकता है उनके लिए ब्लास्फेमी हो जाए। इट टोटली डिपेंड्स कि भाई सामने वाला कितने लेवल का आशिक रसूल है, यानी कितने लेवल का जाहिल है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को ब्लास्फेमी समझ ले। PBUH SAW नहीं भी लगाओगे तो वो ब्लास्फेमी नहीं होगी, ठीक है। जो मोमिन हजरात बोलते हैं वो सवाब के लिए बोलते हैं। PBUH इज पीस बी अपॉन हिम और SAW इज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत से लोगों के नाम के साथ MD रहता है और इसी वजह से मैंने बोला है कि वो उनका पर्सनल नाम के साथ अटैच है, तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद निसार या मोहम्मद जो भी है। डी फॉर डैड भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच डी फॉर डैड भाई। और हर्षल लंजेवार कह रहे भाई ये लोग इनके इतने क्या पागल हो जाते हैं, मैं मुसलमान वाले चक्कर में कि इंसानियत ही भूल जाते हैं, डोंट दे हैव हार्ट। भाई यही तो पागलपन अपने को निकालना इनके अंदर का, ये जो बिल्कुल पागल दिमागी अपंग होके बैठे हुए हैं और ये मजहब इनको बनाता है पागल, दिमागी अपंग बना चुका है, इनके अंदर का यही तो कीड़ा निकालना है हमें, इसी पागलपन का तो इलाज करने के लिए हम यहाँ पे चैनल खोल के अपनी जान जो है ना वो जोखम में डाल के बैठे हैं। क्योंकि हम, मैं खुद चाहता हूं कि सी इट्स वेरी क्लियर, मुस्लिम्स आर दी फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम, इट्स वेरी वेरी क्लियर, मुस्लिम्स आर दी फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। और ये विक्टिम जो है ये एक्चुअली एक बीमारी का रूप ले लिया है, मरीज बन गए ये लोग, पागलपन के ज़ॉम्बीज बन गए, तो इनका इलाज करना जरूरी है। इनको मार देने से काम नहीं बनेगा भाई, कितने लोगों को मारोगे आप, नहीं मारना नहीं है, दे आर ह्यूमन, ह्यूमन से ज़ॉम्बीज जो बने हैं इनको फिर से रिकन्वर्ट करना है, ज़ॉम्बीज से फिर से ह्यूमन बनाना है अपने को। तो उसी वजह से तो हम काम कर रहे हैं इनके अंदर का ये पागलपन और दिमागी अपंगता निकालने के लिए। इनको खुद को सोचना चाहिए, अरे भाई, अरे तुम्हारा अगर कोई अल्लाह होगा, कोई रसूल होगा तो अल्लाह खुद निपट लेगा ना भाई, ये इतना कौन सा मजबूर अल्लाह है जो चाहता है कि तुम बदला लो। तो अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है रसूलुल्लाह के खिलाफ, ठीक है, या अल्लाह के खिलाफ, आपका अल्लाह पावरफुल है और कई ऐसी मिसालें भी आपको पागल बनाने के लिए बताई हुई है कि इसका ये हो गया, ऊपर से नीचे पटक दिया, इब्राहिम के लिए जो है वो आग को ठंडी कर दी, सलामती वाली बना दी, है ना, चांद के दो टुकड़े कर दिए,
अच्छा इशिता जी कह रही हैं जय श्री, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा, जय श्री राम साहिल भाई आपका इंस्टा अकाउंट। इशिता जी मेरा इंस्टा अकाउंट अभी फिलहाल बैन किया हुआ है, जितने लोग नहीं जानते इशिता जहान एक फेमस पर्सनालिटी है इंस्टाग्राम पे, आए दिन इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। इनके साथ में एक सेशन करने का मैंने प्लान बनाया था सैटरडे या संडे का, लेकिन अब इनसे जो मेरा कांटेक्ट है वो इंस्टाग्राम पे ही है, लेकिन अब मेरा इंस्टा नहीं चल रहा है। तो इशिता जी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या फिर आप ईमेल मुझे कर दे, देन हम वो जो स्ट्रीम करना है वो शेड्यूल कर देंगे। इशिता जहान जी जो है वो हिजाब विजाब पहन के भजन और वो जय श्री राम वाली चीजें जो है वो वीडियोस बनाते रहती है, आई एम श्योर बहुत से लोग इनको ऑलरेडी जानते होंगे, इनके साथ हम जरूर एक स्ट्रीम करेंगे। तो आप मुझे जो है वो या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या तो ईमेल कर दीजिए, क्योंकि इंस्टा जो है वो बंद है मेरा, तो मेरे पास आपके लिए मतलब कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अभी इंस्टा पे नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर सेल में आपका स्क्रीन पे दिया है। हाँ, तो जो भी खातून थे वो नंबर नोट कर लीजिए साहिल भाई का और इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, तो मैं ये बता रहा था मोमिन हजरात के लिए कि आप ये छोटी सी बात पे अगर गौर करें कि अगर आपका अल्लाह पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए कितना आसान है अपने नबी के गुस्ताख को पनिशमेंट देना, खुद पनिशमेंट देना कितना आसान है। एक बिजली जो है उस वो ऊपर से बिजली सीधा एकदम टारगेट करके जो है सीधा उस इंसान तक पहुंच जाए, खत्म। वो आप लोगों से ये गलत काम कराना क्यों चाह रहा है? दैट मीन्स कि वो मजबूर है, वो माजूर है आपका अल्लाह। इसका मतलब ये बनता है कि आपको पागल बनाया गया है, आपको जॉम्बी बनाया गया है। अगर अल्लाह को अपने रसूलुल्लाह की इतनी फिकर है तो वो खुद बदला ले लेगा, वो आपसे क्यों बदला दिलवाने करा रहा है? आप तो बदला लेके सीधा जाओगे जेल में, पिछवाड़ी सुझवाओगे, आप निकलते हो सड़क पे किसी गोली का शिकार बन जाते हो, जोश जोश में करते हो, फिर वहां पे जो आपको डंडे पड़ते हैं, फिर वहां पे रोना, घर की माँ आपकी बहन आके फिर वो पुलिस वालों के सामने रोएगी, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरा बच्चा ना समझ था, उसको नहीं पता था। अरे तुम्हारा बच्चे इतने सारे केस देख तो रहा था, बाकी लोगों की गांड फूटी है, उसके बाद भी वो काम करने गया, वो किसी जुलूस में चले गया, किसी को मारने चला गया, अभी अक्ल नहीं आई थी आपके बच्चों को। तो मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए, तुमको पागल बनाया गया है, कोई अल्लाह नहीं है, और वो आपको रसूलुल्लाह ने अगर थे भी वो तो आपको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें बताई गई है। गौर करो, अपनी जिंदगी इसमें जो है ना बर्बाद नहीं करो, चुपचाप अपना करियर पे फोकस करो, काम शाम करो, अच्छी जिंदगी गुजारो। ये रसूलुल्लाह को बचाने के चक्कर में, इनकी इज्जत बचाने के चक्कर में तुम्हारी ऊपर से लेके नीचे तक चली जाएगी। संदीप राय आज उबैदुर रहमान दिखा था, मैं बोला साहिल भाई की जय हो, वो मार्केट में चिल्ला फित्ता फसाद, इतना खौफ में है भाई आपके नाम का अरे वो हमारे एडिटर साहब ने लगता पुरानी वाली वीडियो डाली है उबैदुर की, फुल कॉमेडी है वो। रोनाल्डो कह रहे हैं साइंस कहती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सेम एज कृष्णा जी सेड आत्मा एंड टू मूर्ति है, नहीं पैदा होती है, सिर्फ बॉडी चेंज करती है। थैंक यू सो मच रोनाल्डो भाई। कंचन नसवारी कह रहे हैं कोई ऊंची वे हिल माहिया में तखती रवा, राह वे चन्ना कदो ओणा साहिल माहिया, क्या बात है, थैंक यू सो मच कंचन जी। निशित सिद्धपुरा 300-300 के दो मोमिन व्हाट्सएप ग्रुप बना के रोज तेरे एडम और जफर के वीडियो डालता था, एक नंबर बंद करवाया उन्होंने, दूसरा ले रहा, लव यू साहिल, थैंक यू सो मच निशांत भाई, और अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल करिएगा। KM साहब कह रहे हैं सत्यन मेक अ साइट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री, हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर सत्यन भाई देख रहे हैं तो तक मैसेज पहुंच जाएगा। अमित त्यागी कह रहे हैं साजिद को छूट क्यों है, छोटा होने की वजह से भाई अभी वो साजिद सोचेगा इस बारे में। XYZ पुलिस बी अपॉन हिम, थैंक यू सो मच। अरुण आरटी, व्हाई इज दैट वन साइड दे कीप टेलिंग दे आर अनडिफीटेबल व्हेन इन सेफ प्लेस, ऑन द अदर दे कीप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड्स व्हेन दे आर अपोज्ड फॉर देयर एक्शंस, एग्जांपल हमास इजराइल कॉन, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मोमिनों से बड़ा दोगलापन, मोमिनों से ज्यादा डोगलापन आपको किधर भी नजर नहीं आएगा। आप वही मामला ले लीजिए ना, ये जो अभी वो यार किधर का था वो जो इसराइल को जो है वो ये कर रहा था कि इसको मौत आ जाएगी, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना यार, किधर का बंदा था वो, हार्ट अटैक आ गया उसको, दो दिन में निपट गया वो,
कि अल्लाह के बारे में कोई कुछ बोलेगा, मोहम्मद साहब के बारे में कोई कुछ बोलेगा। टर्की का एमपी था शायद। हाँ टर्की वाला। अच्छा एक और वीडियो आया है पाकिस्तान में, एक मौलवी तकरीर कर रहा है मंच के ऊपर खड़ा होकर और बोल रहा है कि अगर झूठा है या कुछ ऐसा कुछ बोला तो ये धरती हिल जाए, और उसी समय मंच गिरता है और सारे ढेर। नहीं मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखो कि मुसलमानों से ज्यादा, मोमिनों से ज्यादा ढोगलापन आपको किसी और में नहीं मिलेगा, इतने लेवल का ढोगलापन। वहां पे कई सारी वीडियोस आपने इंस्टा पे और ये रील्स वील्स में देखी होगी कि कोई कुछ बोल दे और वहां पे कुछ हो जाए तो वहां पे अल्लाह के चर्चे और वो करामत के सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई कोई वीडियो वहां चल रहा है, वो पानी के अंदर का कोई मच्छी विच्छी का किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, कोई अजीब अजीब प्राणी का डाल दिया वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों ने या वो दूसरे अंग्रेज लोग ने, फिरंगी लोग ने, ये भाई लगा दिए उसमें कुरान की आयत, ये देखो हमारा अल्लाह की तकलीक है ये। अबे वो बेचारा इतना मेहनत करके अंदर अंदर जाके वो अलग अलग चीजें बता रहा है और तुम यहाँ पे एक जो है वो अल्लाह वाला सैड सॉन्ग लगा दिए कोई लगा दिए और उसको अपना मटेरियल बना दिए। तो उसी तरीके से आप सोचो कि ये जो हादसा हुआ है वहां पे, अगर वो तुर्की के जो एमपी है जो बोला है उसके बजाय कोई नॉन मोमिन होता और वो इस्लाम के खिलाफ कुछ बात कर रहा होता और उसको आ जाता हार्ट अटैक, विच इज नॉर्मल, द लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, वहां पे फिर आपको ओ हो 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 हो, अभी तक तो पूरा इंस्टा यूट्यूब सब भर गया होता क्या, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, ये है हमारा अल्लाह, ये है अल्लाह, ऐसा अल्लाह वैसा अल्लाह, इस्लाम सही, ये सही और सही, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, इसी वजह से। अब क्या हो गया भाई, अब अल्लाह फ्लॉप हो गया, अल्लाह का तीर सही जगह पे नहीं चला। अबे होश में आ जाओ, कुछ तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल साफ बात है भाई, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे वाले के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे अगेंस्ट वाले के साथ भी हो सकता है, इट्स वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन। उसको तुम लोग सीधा अल्लाह के साथ मत जोड़ा करो, वरना यहाँ पे भी बोलो कि अल्लाह फेल हो गया है। मछली की तरह तड़पेगी भाई, कह रहे साहिल एडम साजिद मेरे तीन अनमोल रतन है, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। पाटिल साहब कह रहे हैं चाइना टाइम पे समझ गया क्या, इस्लाम को बढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल। फसादुद्दीन चोमू ऐसी कह रहे हैं हिंदुस्तान में एक दिन हिजाबी खातून पीएम बनेगी, हाँ चीचा ने बोला था। समर कुमार मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस भैया, थैंक यू सो मच, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ह्यूमन बींग द ग्रेट वन द स्टार ऑफ द शो एडम को बुलाओ, ह्यूमन बींग भाई हमारे एडम साहब को जैसे ही वक्त मिलेगा वो पधारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ आराम शाराम कर रहे होंगे, क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे। अरुण आर्टी भाई सॉरी फॉर आस्किंग पॉलिटिकल क्वेश्चन बट व्हाई आर इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम टू सपोर्टिंग कांग्रेसी गैंग, क्योंकि इनको बीजेपी और मोदी साहब और योगी जी के खिलाफ जो है वो बचपन से भड़काया जाता है कि भाई ये आपके अगेंस्ट में है ना, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन बनता नहीं, बचता नहीं है, तो जाहिर सी बात है दे विल सपोर्ट कांग्रेस ओनली। आरिश भाई कह रहे थर्ड क्लास में हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स ने जब इस्लाम पढ़ना शुरू किया तो स्कूल आके समझाते थे कि क्यों हमारा हिंदुइज्म गलत है, टीचर ने कई बार टोका, यही होता है वो बचपन से डालते हैं उनके दिमाग। निश्चित सुतपुरा कह रहे हैं मेरे पास एक ही स्ट्रेटेजी है, कोई तबलीग करने आता है तो भाई आप साहिल एडम को गलत साबित कर दो, मैं पेंसिल छिलवा लूंगा, आई लव यू साहिल एडम अमित, थैंक यू सो मच, ये अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी। म्यूजिक क्रिएटर थैंक यू सो मच। प्रत्युष भाई कह रहे फॉर केसेस सिमिलर टू प्राउड वुमेन जी कांट हिंदू क्रिश्चियन वुमेन से दैट इस्लाम गिव्स वुमेन मच लेस रिस्पेक्ट देन हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी एंड वुमेन स्टेटस इन is same in afterlife according to Islam where men keep enjoying, बिल्कुल ये भी बता, इसी वजह से मैंने कहा ना कि अभी आपके पास जो है वो you have the material, you have so much to speak, जो दावत करने आता है उसका मुंह बोलती आप आराम से बंद करा सकते हो, you have so many things now, you have arguments, you have counter arguments, आपके पास हमने counter arguments भी दे दिया है कि अगर वो आप जब बोलोगे तो वो किस तरीके से जलेबी बनाने की कोशिश करेगा उस पर आपके पास counter argument क्या है, क्या बोलना है, सब तो है, कोई एक टॉपिक पकड़ लो उस पे मास्टर बन जाओ और वहीं पे पेलो मोमिन हजरात को। क्यों कंफ्यूजन, इंसान कह रहे कोई आयत एब्रोगेट क्यों एंड कैसे हो जाती है बताना, भाई जाहिर सी बात है एब्रोगेट इस वजह से हो जाती है क्योंकि जब पावर में नहीं थे रसूलुल्लाह तभी उन्होंने कुछ एक चीज बता दी, जैसे लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुमको तुम्हारा दीन और हमको हमारा दीन। अब बाद में जब पावर आई तो वो ऑप्शन नहीं दे सकते थे ना कि आप फ्रीली अपना दीन मानो,
तो उसको एब्रोगेट करना ही था, तो फिर आयत भेज दी कि नहीं आपको अपना दीन मानना है तो जिजिया देना पड़ेगा, वो भी मुश्रिकों के लिए नहीं, सिर्फ अहले किताब के लिए और ये जोरास्ट्रियंस के लिए। तो इस तरीके से जो है वक्त के हिसाब से जो पहले बोला था, क्योंकि अब वो काम की नहीं रही, इस वजह से आयत चेंज हो जाती है, एब्रोगेट कर देती है। समी जी कह रहे हैं, हाउ कैन आई जॉइन विद द वॉइस चेंजर, आई एम एक्स मुस्लिम वुमन टाइम्स बट आई फील बेटर टू चेंज माय वॉइस एंड देन जॉइन एक्स मुस्लिम फॉर पार्क लिविंग इन यूएसए। समी जी, वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर आते हैं, आप देखिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद यू कैन कम, लेकिन वॉइस चेंजर से आपकी आवाज जो है या आपकी बात में फिर वो दम नहीं रहेगा जो कि आपकी ओरिजिनल वॉइस में होता है। बट स्टिल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चूंकि आप एक्टिविज्म नहीं कर रही है तो फॉर अ शॉर्ट टाइम यू कैन यू नो यूज दी वॉइस चेंजर एंड कम एंड शेयर योर स्टोरी। तो आप देखिए कोई सॉफ्टवेयर, मैं तो यूज नहीं करता हूं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दो तीन सॉफ्टवेयर है वॉइस चेंजर के जिसको यूज करके आप आ सकती है। तारिक जलील साहब कह रहे हैं, अमित भाई राम राम पहचाने, और साहिल भाई एक मोमिना को मैंने ओके क्यूपिड पे डेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, एक्सेप्ट करने के बाद बोली डेट नहीं कर सकती, तो वो डेटिंग वेबसाइट पे या डेटिंग ऐप पे कर क्या रही थी वो वहां भी पहुंची क्यों फिर वो, अगर उसको डेट नहीं करना है या मिलना नहीं है तो। लक्ष्मी सच भी, इफ वी आर टू बिलीव भविष्य पुराण, इज इट पॉसिबल दैट डेविल मोहम्मद माइट हैव क्रिएटेड इल्यूजंस और हेलुसिनेशंस इन प्रॉफेट्स माइंड इन द केव? हो सकता है, हमने तो यहाँ पे वो भविष्य पुराना के हवाले भी आपको बताए थे ना कि वो त्रिपुरा सुरा था, वो वहां पे जो मेंशन है, ही वाज अ बैड गाय जिसको ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया है,